हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो शुरू करेंगे पहले पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से वित्त आयोग है एक सलाहकार निकाय, सांवैधिक निकाय, कार्यकारिणी निकाय या फिर संवैधानिक निकाय? तो इसका जवाब था ऑप्शन डी, संवैधानिक निकाय। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1930 में, 1931 में, 1932 में या फिर 1933 में? जवाब है ऑप्शन बी, 1931। अगला सवाल, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना की गई थी 1905 में, 1906 में, 1907 में या फिर 1908 में? आंसर है ऑप्शन सी, 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थित हैं? 5, 4, 3 या फिर 2? जवाब है ऑप्शन बी, 4। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल, किसान क्रेडिट कार्ड या केकेसी योजना कब शुरू की गई थी? 1995, 1996, 1997 या फिर 1998? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 1998। आगे बढ़ते हैं। जन्म से 18 वर्ष की आयु तक शिशुओं, बच्चों और किशोरों की स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल किस शाखा से संबंधित है? ए ऑर्थोपेडिक्स, बी पेडियाट्रिक्स, सी बायोमेट्रिक्स या फिर डी हाइड्रोपोनिक्स? आंसर है ऑप्शन बी, पेडियाट्रिक्स। अगला सवाल, बोरलॉग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, खेल, साहित्य या फिर कृषि? जवाब है ऑप्शन डी, कृषि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी मौसम में नहीं उगाई जाती है? मक्का, गेहूं, जौ या फिर मटर? तो जवाब होगा ऑप्शन ए, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? सिसरो, हेगल, प्लेटो या फिर हेरोडोटस? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हेरोडोटस। अगला और अंतिम सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय स्थित है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। चलिए अब अभ्यास प्रश्न नोट कर लीजिए। निम्न में से कौन सा भारत का पहला जैविक राज्य है? ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी सिक्किम, सी गुजरात या फिर डी तमिलनाडु। तो प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा।